أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرآن کریم نے خود قرآن کریم کا اور مذہب کا جو خلاصہ پہلی آیت میں یا شروع میں پیش کیا ہے وہ تین لفظی ہے. پہلی آیت میں تو کتاب کا تعارف ہے اور دوسری آیت میں کتاب کی تعلیم کا خلاصہ یعنی مذہب کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور اگلی آیت میں اس ساری تعلیم کا خلاصہ یہ بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور پھر تیسری آیت میں اس دوسری آیت کی تفصیل بیان فرمائی کہ غیب کے کیا معنی ہیں اور یقیمون الصلاۃ کی تعلیم وہ کس سے لیتے ہیں اور کس طرح حق ادا کرتے ہیں اقامت صلاۃ کا. اور انفاق فی سبیل اللہ جو بنی نوع انسان کے دراصل حقوق کی ادائیگی ہے وہ کیسے اختیار کرتے ہیں اس کے متعلق فرمایا کہ وہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے ہیں. اس سے پہلے بھی خدا ہی نے جو بزرگ بھیجے انہی سے لوگ سیکھتے رہے تھے اور آئندہ بھی سچی تعلیم وہی لے کے آئے گا جو خدا ہی سے پائے گا. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو خلاصہ بیان فرما دیا اس نظام کا جس کے ذریعے سے انسان ایمان بالغیب سیکھتا ہے اور وہ نظام خود ایمان غیب کا ہی حصہ ہے. اور پھر اقامت الصلاۃ یعنی حقوق اللہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر انفاق فی سبیل اللہ یعنی بنی نوع انسان کے حق ادا کرنے کے اسلوب سیکھتا ہے. پہلی تین باتیں جن کی طرف قرآن کریم مومن کو متوجہ کرتا ہے جس کے بغیر نہ وہ متقی بن سکتا ہے نہ وہ شک سے پاس ہو سکتا ہے نہ ہدایت کی کوئی منزل بھی پا سکتا ہے وہ ہے یومنون بالغیب غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا ہے اس کی تفصیل جیسا کہ میں نے بیان کیا اگلی آیت میں
इशारा करके ये बयान फरमा दी कि जो तुमने सीखना है गैर तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख लो, और ईमान बिल गैब क्या होता है इसकी भी तफसील मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बयान फरमाएंगे। लेकिन चूंकि आज के खुतबे का मौजू ये हिस्सा नहीं, इसलिए मैं इसको फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। आज के खुतबे का मौजू इस तालीम का दरमियानी हिस्सा यानी इकामत सलात है, अल्लाह के हकूक़ की अदायगी। जहाँ तक इन्फाक फी सबीलिल्लाह का ताल्लुक है, गुज़श्ता मुतअद्दद खुतबात में मैं उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ़ पहलुओं से तवज्जो दिलाता भी रहा हूँ, और अल्लाह ताला के फजल से जमात में इतनी गैर मामूली बेदारी पाई गई है कि मेरे तसव्वुर की कोई छलांग भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकती थी कि इतना नुमाया तआवुन फी सबीलिल्लाह मुझे हासिल होगा। बाज जगह तो यूं मालूम होता था कि खुदा के फरिश्ते दिलों को तब्दील करके ज़बरदस्ती माली कुर्बानी की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, और बाज लोगों ने रोया देखकर इस तरफ तवज्जो की, यानी वाज़े तौर पर उनको हदायत मिली और वो फिर माली कुर्बानियों में आगे बढ़े। अब मैं जमात को खुसूसियत के साथ इबादत की तरफ बुलाना चाहता हूँ। अगरचे पहले खुतबात में मैंने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ जब तक बार बार तवज्जो ना दिलाई जाए उस वक्त तक ना तवज्जो दिलाने वाला अपने खुदा के सामने अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकता है, ना वो लोग सही मानों में फ़ायदा उठा सकते हैं जिनको तवज्जो दिलाई गई। ज़िक्र का मज़मून एक जारी उसारी मज़मून है, बार बार बाज़ुमूर की तरफ हमें तवज्जो दिलाते रहना पड़ेगा। खुसूसन नमाज पर तो इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो नमाज का नक्शा खींचा है मुख्तलिफ आयात को मौजूद रखते हुए, वो ये है कि नमाज ऐसी चीज़ है जो अगर जोर लगाकर तवज्जो के साथ खड़ी ना की जाए तो गिर पड़ेगी। फरमाया, जो बार बार फरमाया गया खड़ा करो खड़ा करो खड़ा करो, और इस कसरत के साथ मुख्तलिफ तरीक़ पर बयान फरमाया, ये इस तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है कि ये नमाज अब खुद खड़ी नहीं हुआ करती, जब तुम गाफिल हो गए ये गिर पड़ेगी। जिस तरह टेंट खेमा लगा हो और उसके दरमियान बांस हो, अगर वो बांस नहीं रहेगा तो वह खेमा जमीन पर आ पड़ेगा। इन कमरे की तरह की चीज़ तो नहीं होती कि जो अब खुद खड़ा हो जाए। फरमाया, इबादत एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ बार बार तवज्जो देने की ज़रूरत है। चुनांचे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरह फातिहा में इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन में यही मजमून बयान फरमाया गया है कि हम कमज़ोर हैं और इबादत मुश्किल काम है, ज़रा भी हम गाफिल हुए तो इसका हक अदा करने के अहल नहीं रहेंगे। इसलिए हर नमाज की हर रकत में हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं, तुझसे इल्तजा करते हैं कि हमें तौफीक बख्श कि हम नमाज का हक अदा कर सकें। तो इसलिए खुसूसियत के साथ नमाज की तरफ तवज्जो दिलाना हमारा अव्वलीन फ़र्ज होना चाहिए, यानी सारा निज़ाम जमात इस बात को हमेशा अव्वलियत दे। दूसरे इसलिए भी कि मज़हब का मकसद ही अल्लाह ताला की इबादत है। हुकूकुल इबाद इसका दूसरा हिस्सा ज़रूर है, लेकिन इबादत के बगैर हुकूकुल इबाद भी नहीं आ सकते। कभी दुनिया की किसी कौम ने हुकूकुल इबाद नहीं सीखे सवाए इसके कि अल्लाह ने उनको सिखाए हों। और सही मानों में हुकूकुल इबाद की आखिरी बुनियादें मज़हब में मिलती हैं, इसके सिवा तो बाकी सारी छीना झपटी है और अंधेरे में टामक को ये मारने का नाम है। हुकूकुल इबाद के नाम पर जुल्म की तालीम तो दी गई है, लेकिन हुकूकुल इबाद किसी इंसान ने किसी इंसान को नहीं सिखाया। जितनी भी तालीमात हैं उनका खुलासा ये है कि वो मज़हब से ही हुकूकुल इबाद निकले हैं, और हुकूकुल इबाद वही लोग अदा कर सकते हैं जो इबादत का हक पहले अदा करते हैं।
और जिनकी इबादतें कमजोर पड़ जाएं वो हुकूकुल इबाद में भी कमजोर पड़ जाते हैं, और जो हुकूकुल इबाद अदा नहीं करते वो झूठ बोलते हैं कि हम इबादत करते हैं। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि इबादत तो इंसान करता हो लेकिन खुदा के बंदों से वो बेइतनाई कर रहा हो। चुनांचे इस मज़मून को कुरान करीम बहुत खोल कर बयान फरमाता है, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि अगरचे नमाज इंसान के लिए जिंदगी का मूजिब है, उसकी बका का मूजिब है, उसके लिए उसको फलाह की तरफ लेके जाती है, लेकिन कुछ नमाजें ऐसी होती हैं जो हलाकत का पैगाम देती हैं। वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाक हो जाएं ऐसे लोग, ऐसे नमाजियों पर लानत हो, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि वो नमाजें पढ़ते तो हैं लेकिन गफलत की हालत में पढ़ते हैं। और अन सलातिहिम साहून का एक ये मफहूम है कि नमाज की जिम्मेदारियों से गाफिल रहते हैं। नमाज जिन तकाजों की तरफ बुलाती है या जिन तकाजों की तरफ बुलाने के लिए नमाज पढ़ी जाती है, उन तकाजों से गाफिल हो जाते हैं। यानी ना अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में पैदा होती है, ना महज लिल्लाह काम करने की आदत उनको पड़ती है, और ना हुकूकुल इबाद अदा करते हैं। ये सारी चीज़ें नमाज की बुनियादी सिफात हैं। चुनांचे हलाकत वाली नमाज पढ़ने वालों की तारीफ ये बयान फरमाई गई, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनाऊन अल माऊन। ये वो लोग हैं जो नमाज की के बुनियादी मकासद से गाफिल हैं। नतीजा ये निकलता है कि ये रियाकारी की खातिर नमाज पढ़ने लग जाते हैं और रब की खातिर नमाज नहीं पढ़ते। यानी जो बुनियादी मकसद है नमाज का, अल्लाह से ताल्लुक का क़याम, उससे ये मालूम रह जाते हैं। और फरमाया कि जो खुदा से ताल्लुक कायम करने में महरूम रह जाया करते हैं, उनकी कती इलामत यह है कि खुदा के बंदों से भी वो कट जाते हैं। जो खुदा के हकूक अदा नहीं करते, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो खुदा के बंदों के हकूक अदा कर सकें। चुनांचे फरमाया व यमनऊन अल माऊन, इतने खसीस हो जाते हैं, इतने कमजर्फ हो जाते हैं कि मामूली बनी नौ इंसान की जरूरतें पूरी करने से भी गुरेज करने लग जाते हैं। यहां तक उनकी हालत हो जाती है कि एक हमसाये ने अगर आग मांगी है तो उससे उनको तकलीफ पहुंची है, एक हंडिया तलब की है थोड़ी देर के लिए तो उससे उनको तकलीफ पहुंचती है। और यमनाऊन अल माऊन में दोनों बातें हैं, खुद भी मना रहते हैं और अपने बच्चों को और अपने माहौल को भी कहते हैं ये क्या बकवास लगाई है इसने, बार बार मुसीबत डालती रहती है हमसायन, इसको ये चीज नहीं देनी। तो नमाज का खुलासा ये बयान फरमाया कि इबादत के बगैर बनी नौ इंसान ना अल्लाह से ताल्लुक कायम होता है ना उसकी मखलूक से। इसलिए अगर बनी नौ इंसान के हकूक अदा करने हैं, जो मिम्मा रज़क़ना हुम युन्फ़िकून के जरिए बेशतर हद तक अदा होते हैं, बल्कि अगर उसकी वो तारीफ की जाए जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाई है, तो बेशतर का लफ्ज़ फिर कमज़ोर लफ्ज़ है। तमाम बनी नौ इंसान के हकूक हर किस्म के मिम्मा रज़क़ना हुम युन्फ़िकून के ताबे अदा होते हैं। इसको इबादत के बाद रखा है और ये तरतीब बता रही है कि इबादत ही के नतीजे में दरअसल बड़ी नौ इंसान के हुकूक अदा करने की तौफीक अता होती है। बस खुलासा है, मजहब जहां तक आमाल का ताल्लुक है वो इबादत में ही आके खत्म हो जाता है। गैर का मामला तो ईमानियात से है, ईमान ना हो तो इबादत की तौफीक नहीं मिल सकती, ये दुरुस्त है, लेकिन जहां तक आमाल का ताल्लुक है, आमाल का खुलासा नमाज है। नमाज कायम हो तो हुकूकुल्ला भी अदा होंगे, नमाज कायम हो तो हुकूकुल इबाद भी अदा होंगे, और ये ना रहे तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और तकवा का भी यही खुलासा बयान फरमाया, जो मुत्तकियों की तारीफ बयान फरमाई उसका खुलासा अगर नमाज है तो मुत्तकी की जिंदगी का खुलासा भी नमाज ही बनती है। तो जान है ये मोमिन की जिंदगी की, और मजहब के फलसफे
کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان اپنے رب سے سچا تعلق عبادت کے ذریعے قائم کرے. اس پہلو سے جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کمزوریاں آتی چلی جاتی ہیں, اور ایک دفعہ آپ زور لگاتے ہیں نماز کا معیار بڑھ جاتا ہے, پھر نماز گرنے لگ جاتی ہے, پھر زور لگاتے ہیں پھر بڑھتا ہے, اور بعض دنوں میں جب توجہ دی جاتی ہے تو خدا کے فضل سے مسجدوں کے متعلق احساس ہوتا ہے کہ چھوٹی رہ گئی ہیں, لیکن پھر اس کے بعد خالی برتن کی طرح خلخل کرتے ہوئے چند نمازی اور پھر مسجدیں خالی. تو اس لیے لازماً ہمیں اپنے نظام میں یہ بات داخل کرنی پڑے گی کہ وقتاً فوقتاً سارا نظام بیدار ہو کر نمازوں کی طرف توجہ دے اور جھنجھوڑ دے ساری قوم کو, بیدار کر دے اور بتائے کہ اس کے بغیر تم نہیں زندہ اور نہیں زندہ رہ سکتے, لازماً تمہیں عبادتوں کو قائم کرنا پڑے گا ورنہ تمہاری ساری کوششیں بیکار اور بےمانی اور لغو ہو جائیں گی. یہی وجہ تھی کہ میں نے آغاز ہی میں آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے تمام انجمنوں کو, جن میں مرکزی انجمنیں بھی شامل تھیں اور ذیلی انجمنیں بھی شامل تھیں, ان کو اکٹھا کر کے جو بنیادی ہدایت دی تھی وہ یہ تھی کہ نماز کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فرض ہے, جس کی وجہ سے جماعت احمدیہ قائم کی گئی ہے, اور یہ سارے نظام اس مرکزی کوشش کے لیے غلامانہ حیثیت رکھتے ہیں. اگر یہ نظام اوپر آ جائیں اور نیچے ہو جائیں, اوپر آ جائیں اور یہ آقا یعنی عبادت نیچے ہو جائے تو یہ بالکل مضمون الٹ جائے گا. یہ تو ویسی ہی بات ہو جائے گی جیسے کشتی نیچے چلی جائے اور پانی اوپر آ جائے. وہی چیز جو بچانے کا موجب بنتی ہے وہ تباہی کا موجب بن جاتی ہے. اگر حالانکہ تعلق ویسے ہی رہے گا, وہ بھی پانی ہے جو کشتی کے اوپر ہے, وہ بھی پانی ہے جو کشتی کے نیچے, لیکن اوپر والا پانی ہلاکت کا موجب بن رہا ہے اور نیچے والا پانی بچانے کا موجب بن رہا ہے, یعنی یہ نسبت جو ہے. تو نسبتوں کا درست ہونا ضروری ہے. نظام جماعت کی عبادت غلام نہیں ہوگی, نظام جماعت عبادت کا غلام ہوگا تب ہم زندہ رہیں گے. تو میں نے ان کو اس طرف توجہ دلائی کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ انجمنوں میں جتنے کارکن ہیں ان کی طرف توجہ کریں, اور ہر انجمن کے سربراہ کا فرض ہے اور ہر شعبے کے سربراہ کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ مرکزی نمائندگان سلسلہ اپنا حق اس آسن رنگ میں ادا کر رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے ہوں. تمام دنیا کی آنکھیں مرکز کی طرف لگی ہوئی ہیں, اور مرکز میں سے بھی جو سلسلے کے کارکنان ہیں وہ بڑی نمایاں طور پر لوگوں کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں نمونے کے طور پر. یہ لوگ اگر بدعمالیاں کریں تو ہلاکت کا موجب بن سکتے ہیں, اور اگر نیک اعمال کریں تو ان کی نیکیاں عام انسانوں کی نیکیوں کے مقابل پر ان کو کئی گنا زیادہ ثواب پہنچا سکتی ہیں. چنانچہ میں نے جو ہدایت دی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ توجہ فرمائیں, اور 6 مہینے میں آپ کو دیتا ہوں کہ بار بار نصیحت کے ذریعے کوشش کریں کہ تمام کارکنان نماز کے فریضے سے پیچھے نہ رہیں, سوائے اس کے کہ کوئی مجبور ہو بیماریوں کی وجہ سے, بعض ٹانگوں کی کم بیماری یا کمر کی بیماری یا اور کچھ ایسی تکلیفیں ہو سکتی ہیں کہ انسان دفتر میں تو پہنچ جاتا ہے اور کرسی پر بیٹھ کر اپنے فرائض بھی ادا کر دیتا ہے لیکن باجماعت نماز کی توفیق نہیں پا سکتا. تو جہاں تک شرعی مجبوریوں کا تعلق ہے اس میں ہم دخل نہیں دے سکتے, لیکن واضح اور یقینی شرعی مجبوریوں کے سوا سلسلے کے سارے کارکنان کو نمازوں میں پیش پیش ہونا چاہیے اور باقی احمدیت کے لیے نمونہ بننا چاہیے. 6 مہینے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ پھر نسبتاً زیادہ سنجیدہ ہو جائیں اپنے انتباہ میں, اور ان کارکنوں کو یہ بلا کے سمجھائیں کہ دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں, ہم تمہیں نمازوں پر مجبور نہیں کر سکتے, لیکن جبر نہ ہونے کے 2 رخ ہیں. تم پر اگر جبر نہیں تو جماعت احمدیہ پہ کیا جبر ہے کہ یہ ضرور بے نمازیوں کو ملازم رکھے.
इसलिए दो तरफा बात चलेगी, सिर्फ तुम आजाद नहीं हो, जमाती निजाम भी आजाद है। वो आजाद है इस बात पर कि जिस किस्म के कारकुन रखे, जिस किस्म के कारकुन ना रखे, उसको अख्तियार है। इसलिए हम तुम्हें मौका देते हैं कि या तो तुम अपनी नमाजें दुरुस्त करो, लेकिन क्योंकि तुम आजाद हो सकता है तुम फैसला ना मानो। हम दरोगा नहीं है, खुदा तुम्हारा निगरान, असल दरोगा तो खुदा ही है, उसी के हुजूर तुमने हाजिर होना है। तो तुम अगर नहीं मान सकते ये फैसला, तो हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। ये सजा जदा अल्लाह से ताल्लुक रखती है। लेकिन हम भी आजाद हैं इस बात पर कि तुम्हारे जैसे कारकुन को हम ना रखें, क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं। सारी दुनिया में जिम्मेदारियां अदा करनी है, सारी दुनिया के लिए नमूना बनना है। अगर इबादत से गाफिल कारकुन बैठे हों तो ना वो दुआएं कर सकते हैं, ना उनके अंदर तकवा का आला मयार होगा, ना वो सही नमूना बन सकेंगे। हजार मुसीबतें जमात के लिए खड़ी करती रहेंगे। खुजा ये कि सारे मरकजी कानकुनान इबादतों का हक अदा करने वाले हैं, उनकी मजमूरी तकवा की ताकत कहां, और कहां ये कि चंद आदमी बाकी का हक अदा कर रहे हों और अक्सरियत गाफिल हो और बोझ बनी हुई हो निजाम के ऊपर। तो इस पहलू से 6 महीने के बाद उन्होंने वार्निंग देनी थी, लेकिन मैं खामोशी से जो देख रहा हूं, मेरे नजदीक इस काम में गफलत की गई है। इसलिए साल के बाद पकड़ने की बजाय अभी 3 महीने बाकी हैं, मैं दोबारा मुतनबे कर देता हूं। यह बात मुझे उस वक्त से याद है, मुसलसल याद रही है, और नमाजों पर जब मैं निगाह डालता हूं तो याद आती रहती है। इसलिए यह ख्याल दिल में कोई ना लाए कि मैं भूल चुका हूं। ये जो फैसला है इस पर बहरहाल अमल दरामद होगा। अल्लाह ताला सिलसिले को बेहतर कारकुन दे देगा। मुझे कतन कोई परवाह नहीं कि बेनमाजी निकल जाए तो हमारे काम कौन करेगा। बेनमाजी निकलेंगे तो काम बेहतर होंगे, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं। और आपको यकीन आए ना आए, मुझे यकीन है इस बात का, क्योंकि खुदा का कलाम झूठा नहीं हो सकता। खुदा का काम खुदा की इबादत करने वाले ही अदा करने का हक रखते हैं, दूसरों को यह हक नहीं है। और वो करें भी तो उस आखिर रंग में नहीं अदा कर सकते। इसलिए मैं आपको मुतवज्जे दोबारा कर रहा हूं, सारी अंजुमनों को भी और सारी जमात को सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आज मुशावरत पर पाकिस्तान की तो अक्सर जमातों के नुमाइंदे आए हुए हैं और बाहर की दुनिया से भी नुमाइंदे आए हुए हैं। तो जो बात मैं यहां सुना रहा हूं आपके सामने, उसकी हिकमत यह है कि आप अपने अपनी जगह पर भी इसी तरह जवाब दे होंगे। हर जमात की मजलिस आमला, हर जमात की तंजीम, का वो तौई अंजमन की हो या मरकजी हैसियत रखती हो, वो हर जगह बिल्कुल इसी तरह जिम्मेदार है। अजीब गरीब बाज दफा वाकयात सामने आते हैं कि मजलिस गुलाम अल अहमदिया की कई आमला का इजलास हो रहा है और वहां नमाज बा जमात खड़ी हो जाती है और आमला को प्रोवाइड हो नहीं। वो समझते हैं हम इतने संजीदा अहम काम में मसरूफ हैं कि नमाज से हम ऊपर हो गए। जैसा कि मैंने बयान किया था, जब पानी कश्ती से ऊपर आएगा तो हलाक करेगा, कश्ती में ताकत ही नहीं है कि पानी को संभाल सके। इसलिए आपने इबादत का गुलाम बनना है तो जिंदगी पानी है। अगर इबादत को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे तो लाजमन आप हलाक होंगे। इसी तरह बाज दफा उमरा के मुतल्लिक पता चलता है कि वो अपनी मीटिंग में बैठे हुए हैं और बसा औकात सिर्फ संजीदा बातें नहीं हो रही होती, बैठ के शुगल की बातें भी चल रही होती हैं और नमाज होती है, कुर्बानी करते हैं। तो जिन बातों का मरकज पाबंद है, उन्हीं बातों की जमातें हर जगह पाबंद हैं। इसलिए आपको इस तरह तवज्जो देनी पड़ेगी और बेहतरीन नमूने कायम करने पड़ेंगे जमात के जिम्मेदार आदमियों को। जहां तक नमाज का ताल्लुक है, कुजा ये कि मस्जिद में बैठा हो या दफ्तर में बैठा हो और मस्जिद तक ना जाए, कहां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा और आपकी तालीम। कि एक अंधा जो दूर से नमाज की आवाज सुनता है, उसको भी इजाजत देने के बाद वापस ले ली और फरमाया कि तुम्हें इजाजत नहीं है बेजमात नमाज पढ़ने। वाकया यूं हुआ कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंधा हाजिर हुआ और उसने कहा, या रसूलल्लाह, ये मदीने की गलियों में ठोकरें पड़ी लगी हुई हैं,
مختلف حدیثوں میں مختلف تفصیلیں ملتی ہیں. کہیں آتا ہے کہ رات کو جانوروں کا جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے, کہیں آتا ہے کہ مجھے ساتھ لے جانے والا کوئی نہیں ہے تو اس لیے مجھے اجازت فرمائی جائے کہ میں گھر پہ ہی نماز پڑھ لیا کروں. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت فرما دی. جب وہ جانے لگا اٹھ کر اور ابھی باہر قدم رکھا ہی تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس بلایا کہ بات سن جاؤ. تم کہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ تمہیں نظام بالصلاۃ آتی ہے کہ نہیں؟ حل تسمع نظام بالصلاۃ, اس سے مراد اذان لے لیں یا تکبیر لے لیں جو بھی لیں, مراد یہ ہے کہ نماز کی طرف بلانے کی آواز تمہارے کان میں پڑتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں سنتا ہوں. فرمایا پھر جواب دیا کرو, پھر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تمہارے کانوں میں آواز پڑے اور اس کے باوجود تم انکار کرو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عجیب تعلیم کا طریق تھا, اتنا لطیف اتنا پیارا کہ باتوں کی تہہ میں ڈوبیں تو حسن ہی حسن نظر آتا ہے. تعلیم یہ دی کہ تم آنکھوں سے تو محروم ہو, کانوں کو کیوں ثواب سے محروم رکھتے ہو؟ جن اعضاء کے ذریعے تمہیں خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے وہاں سے تو لبیک کہہ دو. ایک بدقسمتی کے نتیجے میں دوسری بدقسمتی کیوں مول لیتے ہو؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیم کا طریق تو یہ تھا, یہ کہ ہر طرف سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوں, نماز کی طرف بلایا جا رہا ہو اور کارکنان سلسلہ یا عاملہ کے ممبران یا سلسلے کے دیگر کارکنان خاموشی سے سن رہے ہوں جیسے کسی اور کو بلایا جا رہا ہے. یعنی بہرا جس کو کہتے ہیں اس کی اور کیا تعریف ہے؟ سمن بکمن امیون فہم لائر جون کا روحانی معنی تو یہی ہے کہ وہ سنتے ہیں اور نہیں سنتے, دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے, اور جو سننے اور دیکھنے کی طاقت سے معروم ہو جائے وہ بالکل ہر لحاظ سے ایک بےمانی جانور کی طرح زندگی بسر کرتا ہے. نہ اس کو بولنے کی طاقت ہے نہ سمجھنے کی طاقت ہے. تو اس لیے عبادت کا حق ادا کرنا نہایت ہی اہم ہے, اور باقی کارکنان سلسلہ جن کی اس کی طرف میں مضمون کی طرف واپس آتے ہوئے ان سے کہتا ہوں کہ 3 مہینے کے اندر اندر یہ فیصلہ کر لیں کہ سلسلے کی ملازمت کرنی ہے یا نہیں کرنی. جہاں تک ان کے اس فیصلے کا تعلق ہے وہ آزاد ہیں, جو بھی فیصلہ کریں ان کی مرضی ہوگی, لیکن اگر وہ عبادت کی خاطر عبادت کریں نہ کہ ملازمت کی خاطر, اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی خاطر نماز پڑھیں تو یہی سب سے اچھا سودا ہے, اور ایسے ہی کارکنان کی سلسلے کو ضرورت ہے. اگر وہ کسی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں احسان کے ساتھ ان کو الگ کرنا ہوگا اور ان کی فرشتیں بن جانی چاہیے اور ان سے معاملہ طے ہو جانا چاہیے. احسان بہرحال ضروری ہے جدائی میں, اس لیے ان کے حقوق ان کو ادا ہونے چاہیے, اور آسن رنگ میں افہام تفہیم کے ساتھ ان کو کہا جائے کہ مجبوری ہے تمہیں ثواب ہوگا اس علیحدگی میں, کیونکہ اب تم بار بنے ہوئے ہو سلسلے پر, پھر بوجھ ہلکا کر دو گے سلسلے کا. تو محبت اور پیار سے سمجھائیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ ایک بھی آدمی ضائع نہ ہو. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے سلسلے کے تو کارکن مل بھی جائیں گے, بہتر کارکن مل جائیں گے, لیکن وہ جنہوں نے ایک لمبا عرصہ سلسلے سے تعلق رکھا ہے ہم کیوں ان کو ضائع ہونے دیں؟ ہمارا فرض ہے, پوری کوشش کریں, جان بچائیں. ہم ایک ایک ایم ڈی بنانے کے لیے دنیا میں کتنی کتنی محنتیں کرتے ہیں, تو بنے ہوئے ایم ڈی جو مرکز کے اتنا قریب آئے ہوئے ہوں, جن کو توفیق ملی ہو سلسلے کی خدمات کی, ان کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. اس لیے اس معاملے میں بے اعتنائی نہیں کرنی. ہر افسر کا فرض ہے کہ اگر اور ذرائع سے وہ نہیں سنتا تو خود بلائیں, اس سے پیار و محبت کے ساتھ سلوک کریں, اس کو سمجھائیں, اور جہاں تک ممکن ہو سکے سلسلے کے ہر کارکن کو بچانے کی کوشش کریں. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ایسے کارکنان کی اولادیں نماز سے غافل ہو رہی ہیں. ہر صورت میں تو نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, لیکن اگر
दसवीं सदी कारकुन भी सिलसिले के ऐसे हों जिनकी औलादें नमाज से गाफिल हों तो एक बहुत बड़ा खतरा है। और मेरे नज़दीक इससे ज्यादा तादाद है ऐसे कारकुनान के बच्चों की जो अमलन नमाज से गाफिल हो चुके हैं। बस उनकी तरफ तवज्जो भी जरूरी है, निज़ाम जमात को ऐसे कारकुनों की मदद करनी चाहिए उनके बच्चों को संभालने में, लेकिन असल में तो घर है जो गहवारा है तरबियत का। और घर के मामले में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है कि हर बाप जिम्मेदार है अपनी औलाद का। और कुरान करीम ने मुख्तलिफ रंग में बड़े ही गहरा असर करने वाले अंदाज में इसको इस मज़मून को फिर फिर के बयान फरमाया। कहीं हजरत इस्माइल की मिसाल दी कि देखो किस तरह वो बाकायदा सुबह उठकर अपने घर वालों को नमाज की तालीम दिया करता था और बड़े सब्र के साथ उस पर कायम रहा, सारी जिंदगी वो इससे थका नहीं। कहीं ये फरमाया ला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फअनसाहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, कि देखो उन बदकिस्मतों की तरह ना हो जाना जिन्होंने एक दफा अल्लाह को याद किया और फिर भुला दिया अल्लाह को। फअनसाहुम अन्फुसहुम, अल्लाह ने उनको भुलवा दिया खुद अपने आप से, उनको अपने नफूस की अपने माल की खबर नहीं रही, उनको अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं रही। और सबसे बड़ी हलाकत इंसान के लिए यह हुआ करती है कि उसको अच्छे बुरे की तमीज न रहे, अपने हकीकी मकसद अपने हकीकी फायदे का इल्म ना हो उसको, और इसी का नाम पागलपन है। पागलपन की इसके सवा कोई तारीफ बनती नहीं। हर वो शख्स जो अपने मफाद के मुतल्लिक ना जान सके कि इस मेरा असल मफाद किस बात में है, वो ऐसी बातें करता है जिसको आप कहते हैं पागल हो गए। को उठाकर अपनी जायदाद तकसीम कर दे, कोई ऐसी बात करे कि लोग कहें कि अहमक बेहुदा हरकत कर रहा है और वो बदनाम हो रहा हो लोगों के सामने। हर बात में पागलपन का खुलासा ये है कि कोई शख्स अपने मफाद से बेखबर हो जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन लोगों को फिर खुदा पागल कर देगा, इनको होश नहीं रहेगी अपनी भी, इनको पता नहीं होगा कि किस चीज में हमारा फायदा है और किस चीज में फायदा नहीं, क्योंकि हर बात का आखिरी रेफरेंस अल्लाह की जात है। अगर खुदा से ताल्लुक जोड़कर रहनुमाई हासिल ना कर की जाए तो ना फर्द अपनी रहनुमाई के अहल होते हैं ना कौमें अपनी रहनुमाई के अहल होती हैं। और सारी दुनिया में जो तबाहियों का नक्शा है वो यही है, अपनी अकल पर इन्हिसार करके कभी भी दुनिया में कोई कौम जिंदा नहीं रह सकी। ऐसी ऐसी खौफनाक गलतियां करते हैं कि खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी ले डूबते हैं। तो फरमाया जब भी लोग खुदा से गाफिल हुए हैं और खुदा की इबादत का हक अदा करना छोड़ बैठे हैं तो नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने उनको पागल कर दिया, क्योंकि अकल और रुश्त के सरचश्मे से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। पागल कर दिया का मतलब यह है कि ऐसा फेल उन्होंने किया कि उसके नतीजे में लाजमन वो अकलों को खो बैठे, आमक बन गए, बेवकूफ हो गए। तो फिर यह भी एक सजा बयान फरमाई, अपने बच्चों की जो इबादत का ख्याल नहीं करता उनकी औलादें फरमाया कि लाजमन हलाक हो जाया करती हैं फिर। और वो तवज्जो करें इस तरफ, अपनी औलाद को अपने हाथों से कत्ल ना करें। मुख्तलिफ रंग में अल्लाह ताला ने नसीहत फरमाई। तो अगरचे मर्दों को इस बात में पाबंद किया गया है, लेकिन ये हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जब मर्द बाहर होता है तो औरत मर्द की जगह ले लेती है, और औरत पर भी तरबियत की एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आज होती है। मर्द को इसलिए बनाया जिम्मेदार कि औरत पर मर्द को कवाम बनाया है। मुराद यह है कि अगर औरत को जिम्मेदार बनाया जाता तो मर्द बाहर हो जाते उस जिम्मेदारी से। मर्द को बनाया ताकि बच्चे ही ना रहें उसके ताबे, और भी उसके ताबे है, उसको भी पाबंद करे वो, और सारा निजाम जो है वो तरबियत के दायरे के अंदर जकड़ा जाए। और जहां तक मैंने जायजा लिया है, जो माएं बेनमाज होती हैं उनके वाले बाप अगर कोशिश भी करें तो इतना असर नहीं रखती उनकी कोशिश जितना इस सूरत में कि माएं बानमाज हों।
इसलिए मर्दों को कुरान करीम यह सिखाता है कि तुम सबसे पहले अपनी औरतों की हिफाजत करो और उनको तरबियत दो। चुनांचे हजरत इस्माइल वाली मिसाल में बच्चों का जिक्र नहीं फरमाया, अपने खानदान के हर फर्द को आप तालीम देते थे। और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक भी यही था, बीवियों को उठाते थे, फिर बच्चों को जगाया करते थे, दामादों को भी उठाते थे। हजरत अली करम अल्लाह वजह के मुतालिक भी आता है कि आप गए और एक फरमाया कि उठो उठो, नमाज का वक्त हो गया, इबादत का वक्त हो गया। तो ये उसवा हमें जिंदा करना पड़ेगा अपने घरों में। मर्द अपनी बीवियों को पाबंद करें नमाज का, और उनसे तवक्को रखें कि उनके नायब के तौर पर जब वो घर में ना हो तो बच्चों की नमाजों की हिफाजत करें। अगर घरों में नमाजों की फैक्ट्रियां ना बनी तो फिर जमाती तंजीम की कोशिशें जो हैं वो पूरी तरह कारामद नहीं हो सकती। बहुत मेहनत करनी पड़ती है खुदामुल अहमदी और अंसारुल्ला को उन बच्चों के लिए जिनके वालदैन नमाज से गाफिल होते हैं। हजार कोशिश के बाद उनको वो फल मिलता है जो घर में वालदैन सिर्फ चंद कलमों से हासिल कर सकते हैं। जब देखें नमाज का वक्त आया है उस वक्त बच्चे को बताएं। चुनांचे लजना की तरफ से माओ को ताकीद होनी चाहिए और खामदों की तरफ से बीवियों को ताकीद होनी चाहिए कि वो इस काम में अपनी मदद करें, अपनी औलाद को बचाने की कोशिश करें। अगर ये काम हम सब दुनिया में करने में कामयाब हो जाएं और अहमदियत की भारी अक्सरियत इस तरह नमाज का कायम हो जाए कि जहां बाजमात नमाज पढ़ी जा सकती है, मुमकिन है, वहां लाजमन बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है, और जहां बाजमात नमाज पढ़ना मुमकिन ना हो वहां इंफरादी नमाज कायम की जाए, उसको तमाम शराइत के साथ अदा किया जाए, तवज्जो के साथ अदा किया जाए, सोज व गुदाज के साथ अदा किया जाए, तो ये इतनी बड़ी ताकत पैदा हो जाएगी कि सारी दुनिया की ताकतें मिलकर भी इस जमात का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। कुजा ये कि चंद धागे अल्लाह ताला से मिले हुए हों और उन वो जो ताकत हासिल कर रहे हैं वो सारी जमात में बट रही हो। कुजा ये कि हर शजर की शाखें आसमान तक पहुंची हों और हर शजर को बराह रास्त अल्लाह की तरफ से रहमत के फल लग रहे हैं। देखें जब दरख्त बूढ़े होते हैं तो बाद उनमें से यही जिंदगी का इलाज करते हैं कि उनकी शाखें जमीन की तरफ झुक जाती हैं और वो जड़ें बन जाती हैं और एक तने की बजाय कई तने पैदा होने शुरू हो जाते हैं। बस जमात अहमदिया को इबादत के मामले में वो बढ़कर दरख्त बन जाना चाहिए जिसकी हर शाख से फिर जड़ें फूट रही हों और जमीन में झुक रही हैं और जमीन से ताकत लेकर फिर वो इस तरह बुलंद हो जाए आसमान की रफ़तों में कि हरेक को हमेशा हर हाल में अल्लाह की रहमतों के, इल्हामात के, कुशूफ के, वही के फल लग रहे हैं और खुदा की ताईद हर अहमदी फर्द को हासिल हो रही है। ये ताकत जो है अजीम शान, इस ताकत का दुनिया मुकाबला कैसे कर सकती है? ये तो इतनी अजीम शान ताकत है कि नबी जब अकेला होता है अल्लाह से ताल्लुक वाला तो उसको गालिब किया जाता है और बेताल्लुक दुनिया को उसकी खातिर मिटा दिया जाता है। पूजा ये कि करोड़ आदमी खुदा के ताल्लुक वाले दुनिया में पैदा हो जाए, हरेक उनमें से इस बात की जमानत होगा कि इस जमात ने लाजमन गालिब आना है और तमाम मुखालिफाना ताकतों ने लाजमन शिकस्त खानी, उनमें से एक एक इस काबिल बन जाएगा कि उसकी खातिर सारी दुनिया को मिटा दिया जाए लेकिन उसको जिंदा रखा जाए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج مجلس سے مشاورت ہونی ہے، اس لیے سابقہ روایات کے مطابق ایسے اہم دینی اجتماعات پر چونکہ نماز جمع کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس لیے آج بھی انشاءاللہ تعالی جمعے کے ساتھ عصر کی نمازیں جمع کی جائیں گی. مجلس شورا کے ممبران کو چاہیے کہ وہ 4 بجے سے پہلے پہنچ کر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالی پورے 4 بجے مجلس شورا کی کاروائی کا آغاز ہوگا، اور وہ سارے احمدی احباب مرد و زن جو ممبران نہیں ہیں وہ بھی شورا کی کاروائی میں شامل ہو سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے. اس تمام عرصے میں جہاں جہاں بھی احمدی ہوں وہ بکثرت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ تمام ممبران کے ذہن روشن فرمائے، خدا کی خاطر، خدا کی دین کی بہبود کے لیے بہترین فیصلوں کی توفیق بخشے، اور پھر ان فیصلوں پر بآسن رنگ عمل درآمد کی توفیق عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.